साथियों, अभी मैं अपने गांव के रोड पे हूँ और यहाँ पे मैं एक भयानक दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ। एक काफी भयानक नजारा है, क्योंकि सुबह के टाइम पे जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो उस टाइम पे दो ये बड़े बड़े जो पत्थर आप लोग देख रहे हैं, ये पत्थर ऊपर चट्टान आप लोग मेरे ब्लॉग के या वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, ऊपर ये चट्टान है जो वहाँ से ये पत्थर नीचे गिरे थे। और यहाँ पे एक परिवार उधर रहता है, आप देख रहे होंगे, तो जो परिवार है उन्होंने भी जब ये पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहे थे तो आवाज़ सुनी थी, तब उन्होंने बताया कि 6:30 के बीच में ये पत्थर नीचे गिरे थे। तो ये काफ़ी खतरनाक यहाँ पे एक स्थिति बनी हुई है। बरसात के मौसम में अधिकतर लोग जो पहाड़ों की यात्रा करते हैं और या शौक के लिए पहाड़ों पर निकलते हैं, वो कम से कम निकलें, क्योंकि बरसात के मौसम में अधिकतर क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं, जैसे ये चट्टान है ऊपर से इस पे से पत्थर नीचे गिरे हैं और ये काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे ही चट्टानों से क्या होता है कि पत्थर निकलते रहते हैं और नीचे लोग यात्रा करते रहते हैं, पैदल चलते रहते हैं, तो ये काफ़ी जानलेवा भी हो सकता है। जैसे ही सुबह 6 या 6:30 के बीच में जब ये पत्थर ऊपर से नीचे गिरे थे, अगर उस समय इस रोड पर अगर कोई गाड़ी चल रही होती या फिर कोई भी व्यक्ति अगर पैदल चल रहा होता तो आप स्थिति को समझ सकते हो कि ये काफ़ी जानलेवा हो सकता था। खैर, ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक है, लेकिन ये पत्थर हैं, ये काफ़ी बड़े पत्थर हैं और काफ़ी ये भयानक दृश्य उस समय रहा होगा। यू मत बड़े हैं जी सुबह ले क्यों हाँ वो मत ही बड़े ना 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 मत ही बड़े चु और ये ना इन आ यमड़ा यमो यमो यम यमड़ा देखो रास्ता बनी चु मत पार यो ये जया ये देखो क्या बड़े वो देखो आप इन्हें आओ इन्हें बड़े देखो वो मत ही बड़े हैं जी ये मत बड़ा रहा ये क्यों मत बड़ा रहा ये देखो टकर आल ना वो पेपर मतलब वो एक बार ये क्या जो उसी था। अब मैं गाड़ी पुल से आके मेलदार वाली रोड पे एक शानदार सी एक जगह है और यहाँ पे लोग बैठने के लिए भी आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। और यहाँ पे एक फल है, जंगली फल है, ये आप देख रहे होंगे कि रेड कलर में है छोटे छोटे, और ये जब ये रेड कलर में हो जाते हैं तो ये पक जाते हैं। जब हम छोटे थे 6 और 7 में जब हम पढ़ते थे तो यहाँ पे एक स्कूल है मेलदार पर, हम यहाँ पढ़ते थे तो हम इस रास्ते से निकलते थे, तो उस टाइम पर हम इन्हें खाया करते थे, लेकिन वब से खाना हुआ नहीं इनको। तो अब मैं आया हूँ यहाँ पे और आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं इनको दिखाता भी हूँ। इनको झिंगोरा कहते हैं और ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि जो झाड़ियाँ हैं वो काफ़ी फैल चुकी हैं और ये जो झाड़ियाँ हैं ये लोगों के खेतों में फैल चुकी है। और यहाँ आज से 10-15 साल पहले लोग खेती किया करते थे और काफ़ी अच्छी मात्रा में लोग यहाँ पे अनाज का पैदावार किया करते थे, लेकिन आज की जो स्थिति है आप लोग देख रहे होंगे, खेती करना तो दूर की बात, सोचना भी बड़ा मुश्किल है।